इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18 प्लस ओनली। हेलो वर्तसास के कौन है वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम फिर से खेलने वाले हैं एबिटर गेम, और आज मैं आपको बताऊंगा फिर से एक ऐसी ईडर जिसका इस्तेमाल करके आप भाई बहुत ही ज्यादा अंधा पैसा छापने वाले हो। तो वीडियो को बिल्कुल केयरफुली वॉच कर लेना है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताएगा ब्रदर। और भाई देखो, स्टार्टिंग में रिस्क लेकर भाई पूरा अमाउंट डाल रहा हूँ, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो इतनी सेफ है कि पूरे यूट्यूब पे भाई आपको इतनी सेफ ट्रिक तो नहीं मिलेगी ब्रदर। ठीक है, तो चलो भाई काम करते हैं भाई, फिर से पूरा पूरा अमाउंट डाल देंगे और देखेंगे क्या होता है। बाकी देखो, गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, मैं खेल रहा हूं वैसे एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप वेबसाइट्स वगैरह में खेलते हो भाई आज ही बंद कर दो, क्योंकि पहले मैं भी वेबसाइट्स में खेलता था। अगर आप वेबसाइट में खेलोगे ना भाई, पहली बात तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया तो भाई वेबसाइट कभी भी भाग जाती है। तो वेबसाइट्स वगैरह में आपको बिल्कुल भी नहीं खेलना ब्रदर। मैं भी पहले खेलता था, मुझे मालूम है ब्रदर, वेबसाइट में कभी आपकी विनिंग नहीं होगी। बाकी एप्लीकेशन में खेलना, एप्लीकेशन जो विनिंग होती है वेबसाइट कभी भी नहीं दे पाएगी। तो चलो मैं आपको समझाना सीधा स्टार्ट करता हूँ। तो भाई देखो, जो मैं समझाऊंगा उसकी भाई सिंपल सी 4 से 5 स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो भाई विनिंग आपकी बहुत तगड़ी होगी और इजीली होगी। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा भाई एप्लीकेशन में खेलना, इसी को स्टेप नंबर 1 रखूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा भाई वेबसाइट में कभी भी मत खेलें। स्टेप नंबर 2 हमेशा आपको भाई 1.5x पे कैश आउट करना है, 5x, 10x, 20x के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि 1.5x भाई सबसे ज्यादा सेफेस्ट पैरामीटर माना जाता है प्रॉफिटेबल प्लेयर्स के अकॉर्डिंग। मतलब 1.5x भाई सबसे कम क्रैश होता है, मतलब हम उधर से हर बार प्रॉफिट बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए मैं भी 1.5x पे खेल रहा हूँ, आपको भी वैसे 1.5x पे खेलना है। बाकी देखो भाई, मैं 2000 का अमाउंट डाल रहा हूँ, हर बार मेरा भाई 1000 का प्रॉफिट होगा। तो भाई अगली बार अगर मेरा एक बार कट भी गया तो मैं क्या करूँगा भाई, अगली बार 4000 का अमाउंट डालूंगा, फिर से कट गया तो क्या करूँगा उधर, अगली बार भाई 8000 का अमाउंट डालूंगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं भाई लेवल अप। आपको भाई स्टेप नंबर 3 में हमेशा लेवल अप करके खेलना है, जितना भी आपको अमाउंट हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप 2000 का अमाउंट डालो फर्स्ट लेवल, भाई जितना अमाउंट हो आप उसके 3 लेवल इजिली बना सकते हो। जैसे अगर आपको 1000 का भी अमाउंट, 1500 का भी अमाउंट है, 200 रुपए से करो भाई, देखो मैं इतना अमाउंट डालू मुझे 5 मिनट में प्रॉफिट करना है, लेकिन आपको भाई पूरे दिन पढ़ाना तो आप 200 रुपए से करो, एक बार भी घटा तो भाई 100 का, हर बार आपको 100 का प्रॉफिट निकलेगा, और एक बार भी कटा तो आपका 200 कटेगा। अगली बार भाई 4000 डाल दो, फिर कट गया तो भाई सॉरी अगली बार 400 डाल दो, फिर से कट गया तो भाई अगली बार 800 डाल दो। इस तरीके से भाई लेवल्स बना लिया करो, जितना भी आपका अमाउंट है। तो भाई देखो, लास्ट में मेरा कट गया था, बाकी अभी देखो मैंने 2000 का अमाउंट डाल दिया लास्ट में, एक बार रिकवर कर लिया था जितना भी मैंने अमाउंट डाला था। तो भाई देखो, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको कैसे आपको मतलब जो भी आपका अमाउंट है वो लेवल अप करके खेलना है। चलो भाई देखो, लास्ट में 1500 का एग्जाम्पल लिया था, इस बार हम लेते हैं 2000 का एग्जाम्पल। भाई आप खेलो, चलो 200 से ही खेलो, ज़्यादा समझ खेलो, 100 का प्रॉफिट निकलेगा। एक बार भी कटा तो भाई अगली बार 400 का अमाउंट डालना, जिससे भाई 1.400 को अगर आप 1.5x पे कैश आउट करोगे तो आपका इजीली भाई बिल्कुल इजीली 200 एक बार में ही रिकवर हो जाएगा। फिर से आपको अगर फिर से कट गया तो 800 का अमाउंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार ही पास हो जाए फिर से भाई आपको लेवल 1 पे आ जाना है। तो चलो भाई, अभी हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो भाई देखो, स्टेप नंबर 4 क्या, अगर मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ भाई, देखो अगर एक गेम के अंदर भाई ज्यादा प्लेयर्स एक्टिव है अभी के टाइम पे, तो भाई सिंपल सी बात है वो ज्यादा अमाउंट्स भी डालेंगे, और अगर ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो भाई सिंपल सी बात है रॉकेट ऊपर भी जाएगा, और रॉकेट अगर ऊपर जाएगा तो भाई आपका रिस्क हो जाएगा 0%। तो ब्रदर आपको कुल मिला के परफेक्ट टाइमिंग पे खेलनी है। अगर हम देखो इस एप्लीकेशन की बात करें, इस एप्लीकेशन ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, तो आपको भाई टाइमिंग तो हर टाइमिंग पे इजीली बनी होगी, 1.5x तो इजीली क्रॉस कर ही लेगा भाई, लगातार तो नहीं कटेगा। लेकिन परफेक्ट टाइमिंग की अगर हम बात करें भाई, दिन में खेला करो हमेशा, सुबह 8-9 बजे के पहले मत खेला करो भाई, रात 12 बजे के बाद मत खेला करो, दिन भर आराम से इजीली खेल सकते हो। रात को 12 बजे के बाद खेलो तो कम प्लेयर्स कम हो जाते हैं थोड़े से भाई, 12 बजे रात तक खेलने वाले, लेकिन उसके बाद थोड़े से प्लेयर्स कम हो जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। तो भाई देखो, हमेशा आपको क्या करना है भाई, टारगेट सेट करके खेलना है। जैसे अगर भाई मैंने 6 से स्टार्ट किया था, मेरा टारगेट है लगभग 17-18 के, और अगर मेरा टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भाई मैं गेम को बंद कर दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा, और मुझे खेलना है भाई तो मैं फिर से ऐड करूंगा, फिर से नया टारगेट बनाऊंगा और फिर से उस टारगेट के अंदर खेलूंगा। तो लास्ट में मैंने 2000 का अमाउंट डाला था, वो मेरा कट गया 1.5x के पहले ही क्रैश हो गया, तो अभी मैंने 4000 का अमाउंट डाला और भाई वो भी फिर से कट गया भाई, जो कि रेयर केस है। मतलब दो बार लगातार कटना भाई बहुत बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, लेकिन भाई मेरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरे पास 8000, चलो भाई 2000 तो बची रहे, मैंने पूरा 10000 का अमाउंट डाल दिया, ठीक है। बाकी तो फिर से भाई लगभग 1.5x पे कैश आउट करके ईजिली एक बार में ही रिकवर कर लूंगा, उसमें भाई मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रदर, ठीक है। बाकी देखो, आपको हमेशा टारगेट बना के खेलना है। अगर भाई देखो कुछ प्लेयर्स लालच करते हैं,
दो के उन्होंने ऐड किया भाई, ठीक है। एक बार भी उनका नहीं कटा, लगातार बिनिंग करते करते भाई उन्होंने चार के कटा रखता उनका कंप्लीट हो गया। वो सोचते हैं भाई मैंने 10 मैच में इतना प्रॉफिट कर लिया, अगले 10 मैच में भाई मैं इससे डबल कर सकता हूँ, तो वो लालच करते हुए वो लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना। चलो एक बार मैं आपको पूरी स्टेप्स फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हमेशा एप्लीकेशन में खेला करो, स्टेप नंबर 2 हमेशा 1.5x पे कैसे किया करो, स्टेप नंबर 3 हमेशा लेवल अप करके खेला करो, स्टेप नंबर 4 हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पे खेलना है, और स्टेप नंबर 5 हमेशा टारगेट सेट करके खेलना। बाकी अगर आप पूरी स्टेप्स को फॉलो करोगे ना भाई, आप बिल्कुल सेफ रह के प्रॉफिट करोगे। उधर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, और कोई भी आपको ऐसी ट्रिक नहीं बताएगा, और इतनी इससे ज़्यादा सेफ ट्रिक अभी भी बनी ही नहीं है उधर, इतना तगड़ा प्रॉफिट इस ट्रिक से होता है। तो मेरा देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया भाई, इस बार मैं कैसे आउट करके गेम को बंद कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरा टारगेट था जो कि कंप्लीट हो जाएगा, 18 का टारगेट था उन्नीस हो चुका, तो मैं गेम को बंद कर दूंगा। बाकी प्लीज डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी उधर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।